कैसा पर्दा किए बैठे हो ओ रे जालिम कहाँ रहते हो कैसा पर्दा किए बैठे हो दीदार को हुआ अरसा और देखना मैं तरसा कब मेरे तुम कहलाओगे अब तो सावन भी बरसा कैसी बातें कर रही हैं आप ही आप मेरे लिए बिल्कुल अनिका की तरह हैं हाँ भाई होना भी यही चाहिए ऐसे वक्तों में तो पड़ोसी साथ खड़े होते हैं पापा के जेठ ने हाँ कर दी तो उन्हें सिर्फ इनकार करना ही मुश्किल नहीं होगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा अगर तू इस तरह बकबक करता रहा ना रात भर तो एसएचओ साहब तुझे भेज देंगे रिमांड घर वहाँ जितना चाहे दिल करे चिल्लाना अरे नहीं नहीं मैं यहाँ पे चुप करके बैठता हूँ मेरा जाती ख्याल है कि रिश्तेदारों की बजाय दोस्तों के साथ अगर पार्टनरशिप पे काम किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर और फिर आपके ससुराली हैं बिजनेस में 100 ऊंच नीच हो जाती है तो अच्छा नहीं लगे कैसा पर्दा किए बैठे हो सलाम भाई वालेकुम अस्सलाम बाली खैर तो है सुबह सुबह भाई वो थाने से खबर आई है अबे क्या खबर ले आया भाई एसएचओ ने काशिफ को छोड़ दिया क्या बकवास कर रहा है वो इसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है भाई वो कोई बड़ा वकील आया था बड़ा वकील काशिफ के लिए अच्छा तो इसमें उस दूल्हे मियां का हाथ है चल चल के उससे दो दो हाथ करते हैं जी भाई कहां जा रहे हो तुम अपनी हालत देखी डॉक्टर ने आराम करने को कहा है हमारा एक जरूरी काम है वो करके आता हूं बस चल बाली मेरे अलावा किसी की सुनता ही नहीं है इतनी बेवफाई अरे मैं जरा सा लेट क्या हो गया तुम इतना नाराज हो गए कहाँ है वो तुम्हारा शौहर मैं भी तो देखूं कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई चलो चलो मैं तुम्हें लेने आया चल छोड़ छोड़ मेरे बच्चे का अरे अरे सासू माँ बड़े तेवर दिखा रही हो हैं बुलाओ उस कमीने को जिसने इससे निकाह किया है देखो कैसे अभी के अभी तलाक दिलवाता हूँ अपनी होने वाली बीवी को मैं आखिर तू हमारा पीछे छोड़ क्यों नहीं देता अरे क्या बिगाड़ा है हमने तेरा बोलती है क्या बिगाड़ा है अरे कदीर की अमानत में खयानत की है तुम लोगों ने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आ गई आजा पीछे कोई बीच में नहीं आएगा मुझे हवालात भेजकर तुझे सुकून नहीं मिला दफा हो जा यहां से मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता यहां पे देख मैंने तेरा एक एक पैसा चुका दिया है छोड़ काशिफ तहम्मुल से मेरी बात देख जो हुआ उसे भूल जा मैं भी भूल चुका हूं और चल चल दोनों भाई मिलके एक नया सौदा कोई सौदा वादा नहीं करना और हाँ एक बात सुन ले इसकी बीवी की इज्जत पे तूने हाथ डाला है ना अगर उसे पता चल गया तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं
अच्छा ये बात है तो उसे बुला, उसे अभी के अभी बुला और उसे बोल जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले मेरा। लेकिन काशिफ अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जो तूने मेरे साथ किया है ना इसका हिसाब तो तुझे देना पड़ेगा। और हां ये जो तू अपने बहनोई की अकड़ में बोल रहा है ना कहीं ऐसा ना हो कि तू कुर्बान हो जाए उस चक्कर। चले जाए यहां से। चल डार ये देखें ये हैं वो एक्सेसरीज जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। कराची में इनकी बहुत डिमांड। बेटा ये तो मेरे दोस्त मिनाज का बिजनेस। ओह डैड अगर ऐसा है ना तो मिनाज अंकल की तो पांचों उंगलियां की क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में बहुत प्रॉफिट है। ओह इम्तियाज जी आपा मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप हुक्म कीजिए। हुक्म समझ कर ही मानना, इनकार किया तो समझ लेना कि मां बाप की तरह आपा भी मर गई। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो कहना है वो कहे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोग कराची जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, तुम्हारे कारोबार का मामला है, रिस्क आता रहे तो अच्छा है। मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें कराची जाने से, मगर मरियम नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों पोपो? मामा क्यों नहीं जाएंगे हमारे साथ? जब डैड और मैं कराची जा रहे हैं तो मामा ने यहां पर क्या करना है? वही जो तुम लोगों के जाने के बाद हमने किया था, सबर, और सिर्फ सबर। कदीर तो हड्डी बन के हलक में फंस गया है। हाँ जब सांप के बिल में हाथ डालोगे सांप तो डसेगा ना, उसका काम ही है डसना। मुझे नहीं लगता कि चुप करके बैठे। भैया पानी। मुझे नहीं चाहिए पानी। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ। इसमें उजाला का क्या कसूर है भला? अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी सेया नसीब लेकर आई है, इसकी वजह से मेरी आजमाइशें खत्म ही नहीं हो रही। कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर दिया इसने मुझे। वाह काशिम मियां वाह, क्या सिला दे रहे अपनी बहन को, उसकी नेकियों का, उसकी खूबियों का। तुम जो हवाला से वापस आए हो इस बहन की वजह से, उसकी अकलमंदी और उसकी समझदारी की वजह से। एहसान नहीं किया मुझ पर कोई, हवालात पहुंचाने वाली भी यही है। तौबा है काशिफ तौबा है, तुमने तो सारी हदें पार कर डाली। ऐसी सुलझी हुई बहन अल्लाह पाक सबको दे। हाँ यही तो वो चाहती है कि लोग उसी के गुण गाएं और मुझे जलील होता हुआ देखे वो। काशिफ ये स्याही उसके नसीब की नहीं है, ये तुम्हारे जहन और तुम्हारी सोच की है। माफ करना सुरैया, कहीं से ये तुम्हारा बेटा नहीं लगता। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आ, 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 आ,
तुम रो रही हो उजाला, तुम्हारे भैया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसमें आपका क्या कसूर? भैया कौन सा आपके लिए और अम्मी के लिए अच्छा सोचते हैं? और वैसे भी भैया अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। आपको पता है भैया खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि खुद खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करना पड़ता है। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तुमने तो साबित कर दिया ना, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुम कुछ भी कर सकती हो। अरे इन सब बातों में हम मोहसिन साहब को तो भूल ही गए। जानती हो मैंने जब उन्हें देखा था मुझे तभी पता चल गया था यही तुम्हारे लिए बने। अम्मी ठीक कहती हैं, अर्जुमन तो मरियम की ही बहू बनेगी। भाभी देखना जब वो लोग तुम्हें लेने आएंगे तो भाभी वाले सारे हकूक पूरे करूंगी मैं, और तुम्हें रुखसत करके बहुत अकेली हो जाऊंगी। हेलो, हाँ अथर बेटा, मैं तुम्हारी मरियम आंटी बात कर रही हूँ। वो इम्तियाज अंकल है ना तुम्हारे, उनकी वाइफ। हाँ मैं ठीक हूँ। वो तुम्हारी बहनें कैसी हैं? अच्छा अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि वो मेरी आपा है ना सुरैया आपा, उनके घर। सवेरा तुम किचन में चाय किसके लिए बना रही हो? काशिफ भाई के लिए। भज्जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी नन के कुछ ज्यादा ही चोचले उठाती रहती हो? जबकि तुम्हें पता है कि काशिफ भाई को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो फिर तुम क्यों हमदर्दी करती हो उसकी? जबकि नाज नखरे तुम्हें अपने शौहर के उठाने चाहिए। अपनी औकात। मरियम तुम हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले एतबार औरत रही हो और मरते दम तक रहोगी। काश
मैं शादी के फौरन बाद ही अपनी माँ और आपा की बात मान लेता, तुम्हें तलाक देकर तुमसे जान छुड़ा लेता। गलती होगी मुझसे, अब गलती नहीं होगी। सवेरा, जिस बात का पता ना हो ना, तो उसके लिए हतमी राय नहीं दिया। हतमी राय नहीं दे रही हूँ, आपको आपकी गलती का एहसास दिला रही हूँ। आपके लिए सबसे अहम काशिफ भाई होने चाहिए, बस। इतनी अकल होती तुम्हारी बहन का तो क्या ही बात थी। सीखो कुछ, कुछ अकल ही ले लो इससे। आप चले, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय, आज मैं चाय सवेरा के हाथ की पीऊँ। क्यों सवेरा? मैं लाती हूँ। क्या जरूरत है इतनी बकबक करने की? सब कुछ सुन लिया होगा उन्होंने। तो सुन लिया हो। काशिफ भाई भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी इकलौती साली उनकी बीवी से कई ज्यादा समझदार और अकलमंद है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है जो मैं डरूं। बहुत बेबाक हो गई हो। अम्मा ठीक कहती हैं, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए। सच? तो फिर अम्मा से करो ना मेरी शादी की बात। अच्छा चलो जाओ, देकर आओ अपने चहेते बहनोई को चाय। जाओ। हम कराची जा रहे हैं, तुम यहीं रहोगी आपा के पास। खुदा के लिए प्लीज इम्तियाज़ ऐसा सुनमत कीजिए, मैं मोहसिन के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हें रजा के बगैर रहना पड़ेगा। समझ गई? आवाज भरना है। उजाला, तुम किताबें लेकर बैठ गई हो? जी अम्मा, मेरे कुछ दिन बाद एग्जाम्स हैं। एग्जाम्स होगी तुम? और अगर मोहसिन और मरियम इम्तियाज भाई को लेकर आ गए और रुखसती का सवाल डाला तो क्या करेंगे हम? अब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ के हर सवाल का जवाब तुम्हारी आंखों में। आप खुद ही तो कहती हैं हर मामला सब्र तहम्मुल से सही हो जाता है और जल्दबाजी से बिगड़ जाता है। वैसे भी उन्होंने आपका मान रख के मुझे जो इज्जत दी है वो क्या किसी चीज से कम है? ये बात तो है, कितनी समझदार है मेरी बेटी। मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मानेंगी? हाँ बेटा, जरूर मानूंगी। कहो क्या बात है? अम्मा, हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। अब आप खुद ही देखें खदीर कितना खतरनाक शख्स है, वो हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। और बस आप किसी तरह से भैया को कन्विंस कर लें कि हम यहाँ से चले जाएं। और अगर मोहसिन यहाँ आया तो क्या होगा उजाला? इस वक्त सबसे ज्यादा अहम भैया की जिंदगी है। जहां तक खाला का सवाल है, हम कुलसुम खाला या मालिक के मकान को अपने नए घर का पता दे देंगे। कितना बदनसीब है काशिफ, उसे अपनी बहन की मोहब्बत का एहसास ही नहीं। अम्मा, मोहब्बत के वजूद को किसी के एहसास की जरूरत नहीं होती। भैया माने ना माने,
मुझे उनकी तकलीफ पे उतना ही दुख होता है जितना अपनी तकलीफ पे। बस आप किसी तरह उन्हें यहाँ से शिफ्ट होने पर राजी करें प्लीज। ठीक है। पापा मेरा यकीन कीजिए, मैं मोहसिन को लेकर नहीं गई थी, वो खुद गए थे अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से। झूठ मत बोलो। अम्मी निकाह हुआ इसका, किसी की अमानत है ये, बजाय इसको घर बिठा के इसकी रुख्सती करो। अगर इसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो खुद साथ लेकर चले जाओ ना। किसने कहा था शादी के दफ्तर जाने को? अम्मा तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता, मैं शादी सिर्फ उजाला से करूंगा। तुम्हारी मामा इस दुनिया से चली गई।